आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल से डीएलएड करना चाहते हैं और फ्रेंड्स इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताऊंगा इस वीडियो में और किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के लिए जो डीएलएड की एडमिशन है वो कब स्टार्ट होगी और इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फ्रेंड्स, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इसके लिए, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, वो सभी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं जहां से आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में अगर आप रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको गूगल पे आना है और यहां पे फ्रेंड्स WBVPE सर्च मारना है, मतलब कि फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन। सो यहाँ पर मैंने सर्च किया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं शो करता हूँ, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन टू 2 ईयर डीएलएड कोर्स रेगुलर एंड फेस टू फेस फॉर द सेशन ऑफ 2021-2023। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, मतलब कि एक जो है डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड होगी, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, अभी से हम डाउनलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो है ओपन होता है डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन टू रेगुलर डीएलएड 2 ईयर डीएलएड कोर्स रेगुलर एंड फेस टू फेस फॉर दी सेशन ऑफ 2021-2023। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं एंड कितने मार्क्स आपके होने चाहिए 12th क्लास में, HSC प्लस में एंड 2 बोर्ड। सो यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है WBVPE सर्च करना है और इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें सभी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या मतलब कि मार्क्स होने चाहिए और प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, एडमिशन कब स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, क्या क्या मतलब कि सिलेबस होंगे इसके, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मार्कशीट ऑफ हायर सेकेंडरी प्लस में 2 एग्जामिनेशन सेल, फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप इंडियन हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको बताया और इस डॉक्यूमेंट्स में भी डिटेल से दिया गया है। सो फ्रेंड्स अगर आप 2021 में डीएलएड करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस वेबसाइट पर आकर इसके रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा और मैं आपको जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स इसका जो एडमिशन है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है, बट अभी कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि रिजल्ट आने में 12th क्लास की काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए फ्रेंड्स जब भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट अगर आए या इससे पहले घोषित कर दिया जाए उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सभी स्टेप बता दूंगा कि आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है वो 12,000 होती है पर ईयर की, या इंस्टॉलमेंट आपको फीस पे करनी होती है, तो 2 ईयर्स की फ्रेंड्स 50,000 से कम पड़ जाता है आपको। अगर आप 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास वेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आपके पास है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।